आज हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आधारित संरचना ऊर्जा तथा स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। आधारित संरचना का अर्थ, आधारित संरचना से अभिप्राय उन सेवाओं और सुविधाओं से है जो देश के औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, घरेलू और विदेशी व्यापार और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। इसके अंतर्गत सड़कें, बांध, बिजली घर, तेल व गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, वित्तीय प्रणाली आदि को शामिल किया जाता है। वह इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके माध्यम से ही हम देश का विकास करते हैं और साथ ही साथ हम व्यक्तियों का भी सामाजिक और आधारित संरचना के अंतर्गत ही उसका विकास हो पाता है। फिर हम इसके साथ साथ ये कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियों का आधार जो है उसको क्यों कहा जाता है। इसके अंदर कृषि से भी संबंधित है या उद्योग तथा पर्यटन से संबंधित हो। इसमें जो सुविधाएँ जैसे कि परिवहन व दूरसंचार सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर भी पड़ता है क्योंकि ये दोनों के माध्यम से ही हम आदान प्रदान या फिर व्यापार या फिर जो भी कार्य करना है हम दूरसंचार और सुविधा परिवहन के संचार के साधनों के माध्यम से ही हम करते हैं। जबकि शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते हैं। ये सच है कि शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था यदि अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सामाजिक क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं, सोच में परिवर्तन आएगा और साथ ही साथ हम जो आधारित संरचना है उसके विकास में हम सहयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आधारित संरचना के अभिप्राय उस सहायक संरचना से भी है जिसके कृषि, उद्योग, वाणिज्य व मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती है जिसका वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक है इन सब चीज़ों का भी व्यक्तियों के जीवन पर या फिर विकास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। फिर आधारित संरचना और पूंजीगत संरचना में अंतर, आधारित संरचना क्या है और पूंजीगत संरचना क्या है। आधारित संरचना के अंतर्गत समस्त सेवाएं आती हैं जैसे कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य आदि हैं और दूसरी ओर हम पूंजीगत संरचना उसे कहते हैं जिसमें कि कारखाने हैं, मशीनें हैं, ट्रैक्टर्स हैं, अन्य उपकरण जो सम्मिलित किए जाते हैं। स्वाभाविक है उसमें जो है पैसा लगता नहीं है, हम कार्य करते हैं और इसमें जो है हम पैसा मशीनरी जो है पूंजी लगाकर ही हम उस उपकरण को लेकर आते हैं और कार्य करते हैं। फिर कृषि उपज की ढुलाई के लिए आवश्यक परिवहन सुविधा आधारित संरचना का अंग है जबकि कृषि मशीनरी पूंजीगत संरचना का अंग है। इसी के अंतर्गत फिर आधारित संरचना के जो प्रकार, इसमें आर्थिक आधारित संरचना इसको दो भागों में बांटा है, एक सामाजिक आधारित संरचना और आर्थिक आधारित संरचना। तो आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत जो आते हैं वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार। और सामाजिक आधारित संरचना क्या है, इसमें जो है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है जो कि सामाजिक विकास में ये सहायक होते हैं और ये आधारित संरचना उन सभी तत्वों में भी इनका समावेश होता है। शिक्षा अच्छा होगा तो हम विकास अच्छा कर पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कार्य हम अधिक करेंगे। फिर आर्थिक व सामाजिक आधारित संरचना में अंतर, आर्थिक संरचना के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं, सामाजिक अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। आधारित संरचना आर्थिक के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है जबकि सामाजिक के अंतर्गत मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार होता है। जिस तरह से हमने अभी आपको बताया शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्वाभाविक है हम मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार होगा। फिर आर्थिक आधारित संरचना में किए गए व्यय को भौतिक पूंजी में वृद्धि होती है जबकि सामाजिक आधारित संरचना के अंदर मानव पूंजी में व्यय होता है। फिर है आधारित संरचना का महत्व, आधारित संरचना द्वारा कृषि विकास संभव हो जा पाता है और जबकि जो कृषि विकास में स्थायी सिंचाई सुविधाएं जो है कृषि बीजों के उपकरणों का प्रयोग पर भी निर्भर करता है। इनके द्वारा उद्योग कच्चे माल, श्रम, पूंजी आपूर्ति कर ईंधन की जरूरत पूरी, दूरसंचार सेवाएं आदि प्रदान की जाती हैं जो कि औद्योगिक विकास में संभव हो पाता है। फिर आधारित संरचना के उत्पादन में वृद्धि होती है, निवेश को प्रेरित करती है और इस संरचना के अंदर विकसित आधारित संरचना देश के लोगों की गुणवत्ता में भी सुधार करती है, वित्त की आपूर्ति होती है, बाजार का विकास होता है और रोजगार के अवसरों का भी सृजन होता है। फिर है ऊर्जा या शक्ति, ऊर्जा या शक्ति जो संसाधन है वह क्या है। वर्तमान काल में किसी भी देश की आर्थिक विकास की सीमा उस देश की उपलब्ध ऊर्जा शक्ति पर निर्भर करती है जिससे सस्ते और पर्याप्त मात्रा में शक्ति के संसाधन पाए जाते हैं और देश अपना विकास जो है आसानी से तीव्र गति से कर सकता है। स्वाभाविक है जहाँ पर ऊर्जा उपलब्ध है, शक्ति उपलब्ध है, वहाँ पर यदि आसानी से हमें सस्ते रूप में वह संसाधन प्राप्त हो रहा है तो हम तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। जैसे कि कृषि, उद्योग, परिवहन आदि में भी शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत जिस देशों में संसाधन जो अपर्याप्त होते हैं देश अन्य सभी आवश्यकताओं की सुविधाओं हेतु
जो है मंद गति से विकास कर पाते, क्योंकि जब हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो हम विकास किस तरह से करेंगे, क्योंकि हम फिर दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। फिर इसके बाद प्रत्येक देश की जो आर्थिक योजनाएँ बनाते हैं उस समय हम संसाधनों के विकास पर भी विशेष जोर देते हैं, क्योंकि संसाधन का जब विकास होगा तभी हम देश का भी आर्थिक विकास होगा। फिर है ऊर्जा का महत्व। ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धि से देश की कृषि और औद्योगिक विकास में तीव्र गति से होता है, जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। देश की प्राकृतिक संसाधन कुशलतम उपयोग ऊर्जा की सहायक से संभव है, जबकि सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा इत्यादि का विकास अनेक प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर होता है। फिर है ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक तो जो है जिनकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है व्यावसायिक ऊर्जा कहलाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, क्योंकि हम इनका पैसा चुकाकर हम उस एनर्जी या उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, और गैर व्यावसायिक ऊर्जा जिसके प्रयोग के बदले कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, इसे गैर व्यावसायिक ऊर्जा कहते हैं, जिसमें ईंधन की लकड़ी और गोबर आदि इनका हम किसी प्रकार से पैसा नहीं चुकाते हैं, इसीलिए इसे गैर व्यावसायिक ऊर्जा कहा जाता है। अब व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक ऊर्जा में अंतर जैसे सभी बताया कि प्रयोगकर्ता द्वारा कीमत चुकाई जाती है, इसमें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। उदाहरण इसमें गैस, बिजली है, इसमें गोबर, कृषि का कूड़ा कचरा, फिर यहाँ पर है इसका प्रयोग जो उत्पादन क्रियाओं में किया जाता है और इसका घरेलू कामों के लिए किया जाता है। फिर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत जो है कोयला आता है, खनिज तेल आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है, विद्युत आता है और जैव ऊर्जा आता है। जो कोयला हमें मिलता है ये सारी चीज़ें हैं परंपरागत स्रोत हैं। जैसे कोयला का हम एक तो उद्योगों में उपयोग होता है, घर में घरेलू काम के लिए भी उपयोग होता है। खनिज तेल और पेट्रोलियम, खनिज तेल और पेट्रोलियम जो गाड़ी परिवहन के लिए होता है। प्राकृतिक गैस जिसको हम घर में यूज़ करते हैं या फिर गाड़ियों में भी यूज़ होता है। विद्युत जो घर में, उद्योगों में, सभी जगह इसका उपयोग होता है, और जब बांध, बड़े बड़े बांध बनाकर उसका उत्पादन, बिजली विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैव ऊर्जा जो जैव हम खाद बनाकर जैविक ऊर्जा उसका उपयोग करते हैं। फिर गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, शहरी अपशिष्ट का उपयोग और उन्नत चूल्हा और वैकल्पिक ईंधन। सौर ऊर्जा जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, वायु ऊर्जा भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, परमाणु ऊर्जा जो कि परमाणु ऊर्जा को हम जरूरी नहीं कि हम युद्ध में ही उपयोग करें, उसको ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी कर सकते हैं। शहरी अपशिष्ट का उपयोग, शहर से जो कचरा निकलता है उसका भी हम खाद या अपशिष्ट पदार्थ या राख का उपयोग करके हम दूसरी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। उन्नत चूल्हा जैसे कि हम गैस चूल्हा जलाते हैं या फिर गोबर गैस कनेक्शन द्वारा भी। वैकल्पिक ईंधन भी बहुत सारे होते हैं जिसके माध्यम से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के में अंतर। इसमें जो है स्रोतों का प्रयोग पुराने समय से किया जा रहा है, इसमें जो है आधुनिक समय की देन है। उदाहरण इसमें कोयला है, उदाहरण इसमें सौर ऊर्जा है, मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग हम खाना बनाने में भी कर सकते हैं और बिजली उत्पादन में भी करते हैं, उसको संचय करके हम उसका बाद में भी उपयोग करते हैं। ऊर्जा के साधन सीमित होते हैं और इसके साधन असीमित होते हैं, इन्हें पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। इनको नवीनीकरण के कोई के स्रोत हैं, ये प्रदूषण फैलाते हैं और ये प्रदूषण मुक्त के साधन है। अब इसमें ऊर्जा के स्रोत के समक्ष चुनौतियाँ। बिजली बोर्डों को हानियाँ होती है, परमाणु शक्ति के विकास की धीमी गति होती है, निजी क्षेत्र में कम भूमिका होती है, जल विद्युत असंतुष्ट विकास, कच्चे माल की कमी, विद्युत उत्पादन की अपर्याप्तता और चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव। तो हम इन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं? उत्पादन क्षमता में वृद्धि, संचारण और वितरण की हानि को रोकना और संयंत्र की पूर्व क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करना। सरकार द्वारा विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना और नवीनीकरण स्रोत पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब इसके बाद हम ऊर्जा के बाद देखेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी आवश्यक है, जिस तरह से हमने देखा कि ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों ही देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य हमारा सही होगा तो मानव संसाधन बहुत ही अच्छा होगा और विकास भी अच्छा होगा। तो हम इसमें ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति का बहुमुखी विकास का स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि स्वास्थ्य धन कहने का तात्पर्य है केवल स्वस्थ व्यक्ति ही आज के युग में धन कमा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वह कार्य करेगा तो धन कमा सकता है, फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी वह कर सकता है और अपने कर्तव्यों का पालन भी वह आसानी से कर सकता है। लेकिन स्वास्थ्य रहित व्यक्ति एक सीमा के बाद समाज पर वह भार बनकर जीवित रहता है और उसका कहना गलत होगा कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और उन्नति स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है, क्योंकि वह जब एक समय के बाद वह दूसरे पर आश्रित हो जाता है और वह उसकी ज़रूरतें जो है वह दूसरा व्यक्ति पूरा करने लगता है।
इस संबंध में यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति उसके उद्देश्य के लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, और आज के लोगों स्वास्थ्य की सुविधाएं जुटाना भी कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य माना जाता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता का विद्यमान रहना भी नितांत आवश्यक है। इसी में ही स्वास्थ्य का राज जो है स्वास्थ्य राज्य का निहित है। इसके साथ साथ हम विकासशील जो निर्धन देश जो हैं वहाँ के निर्धनता के साथ साथ स्वास्थ्य की भी समस्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ के कम भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन सुविधाएं जो हैं प्राप्त होती हैं, लेकिन हमारे देश में समय से पहले ही लोग बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। छोटी सी उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं, बाल सफ़ेद होने दिखाई पड़ते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसका उचित यह होगा कि स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार के कारण यहाँ पर की आर्थिक स्थिति जो है वो दयनीय बनी होती है, लोग कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ के निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण यहाँ का जैसे हमने जनसंख्या और बेरोजगारी जब पढ़ रहे थे, गरीबी जब पढ़ रहे थे, उसमें भी यही सारी चीज़ें जो थे कारण थी, वही सब चीज़ें जो इसमें निम्न स्वास्थ्य के स्तर के भी कारण हैं। जैसे जन्म दर का बहुत ऊंचा होना, बार बार गर्भधारण करने से माता के खून की कमी हो जाती है, वह हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। फिर हमारे देश में गाँवों में वरन नगरों में भी स्वास्थ्य पेयजल का अभाव पाया जाता है, गंदा जल, मलमूत्र, गंदे पदार्थ निकासी के लिए नालियों का अभाव होता है, जिससे बीमारियां होती हैं। इसी तरह से बीमारियों की जो हमारे यहाँ जो निम्न स्वास्थ्य है वह बीमारियों की व्यापकता का मूल कारण है, अपर्याप्त अपौष्टिक भोजन, मतलब ये सारे कारण जो हैं हमारे यहाँ के स्वास्थ्य खराब होने का एक कारण होता है। और पौष्टिक भोजन का भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि सिर्फ व्यक्ति जो है सिर्फ भूख मिटाने के लिए जीने के कारण बन जाता है। फिर दुर्भाग्यवश भारत में आवास की जो दशा है वह भी अत्यंत शोचनीय है, कि मकानों के पीने का पानी, हवा, नालियाँ, स्नान गृह, संडास, अन्य सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है, जिसके कारण भी देशवासियों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। फिर गाँवों में डॉक्टरों, अस्पतालों, दवाइयों का अभाव पाया जाता है, जिससे वहाँ अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं और देशवासियों के स्वास्थ्य का गिरावट आने का एक कारण बन जाता है। फिर औद्योगिकरण के कारण जल और वायु प्रदूषण भी प्रदूषित होती है, गंदी नाले नदियों गिर रहे हैं, इसके कारण भी नालों का पानी भी कई लोग पीते हैं और वे अस्वस्थ होते हैं, दमा आदि रोग और श्वास की बीमारी से वे पीड़ित हो जाते हैं। यह भी कहना गलत ना होगा कि स्वच्छ वातावरण के अभाव में हम अस्वस्थ बने रहते हैं, क्योंकि गंदी बस्तियाँ, भीड़युक्त वातावरण से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक है, जब गंदी बस्तियाँ हैं, भीड़युक्त है, वहाँ धूप नहीं लग रही, शुद्ध हवा नहीं आ रही, तो वहाँ का वातावरण अशुद्ध होगा। फिर कार्य करने की दशाएं, मतलब स्थान आदि में स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दुकानों, खानों, मिलों, कारखानों आदि में जो कार्य करने का स्थान जो गंदा होता है उसका भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। फिर मिलावट वाली वस्तुओं को खाने से भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और कुछ विकासशील देशों में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, ये उनके लिए एक साधारण सी बात हो गई है, क्योंकि इससे भी उनके उपभोग से स्वास्थ्य में कमी आती है। फिर देश में शिक्षा का अभाव होने से भी लोग ध्यान स्वास्थ्य की ओर आकर्षित नहीं होता है, जागरूकता नहीं पाई जाती है और वे अस्वस्थ हो रहते हैं। फिर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण पौष्टिक भोजन का सेवन नहीं कर पाते, कई लोग दो दो तीन तीन दिन उपवास करते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं, इससे भी स्वास्थ्य पर गिरावट आती है। फिर स्वास्थ्य रक्षा हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास, व्यक्तियों को स्वास्थ्य रखने के लिए सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है, जैसे संक्रामक रोगों का उन्मूलन, अस्पताल एवं तथा चिकित्सालय, चिकित्सा शिक्षा, औषधि निर्माण पर नियंत्रण, पोषाहार, परिवार कल्याण, मतलब इन सब को लागू करने से भी हम लोगों के स्वास्थ्य का विकास कर सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। जैसे संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिए एवं नियंत्रण के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन, कुष्ठ रोग नियंत्रण, टीवी, फाइलेरिया, हैजा, यौन रोगों का नियंत्रण कार्यक्रम, इस तरह से विभिन्न प्रकार के कार्य जो चलते रहते हैं। साथ ही साथ चेचक, हैजा, प्लेग जैसे रोग पूर्णतः समाप्त भी कर दिया गया है। फिर अस्पताल तथा चिकित्सालय, केंद्र एवं राज्य सरकारों के अतिरिक्त कई निजी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं, इसके साथ साथ उनके कर्मचारियों एवं परिवारों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। और इस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सेवाएं के गांव में रहने वाले लोगों को प्रदान करती है। फिर चिकित्सा शिक्षा, देश उपचार और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की शिक्षा प्रदान करने के लिए भी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से भी चिकित्सा शिक्षा लोगों को दी जाती है और वह लोगों की चिकित्सा करते हैं। इसमें जैसे कि मेडिकल कॉलेज हैं, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, अन्य चिकित्सा संस्थान हैं जो इस तरह कार्य कर रहे हैं। औषधि निर्माण नियंत्रण, औषधि निर्माण नियंत्रण में भी बहुत से निर्माण शालाएँ हैं जो कि विकासित वित्तीय सरकार जो है वित्तीय सहायता भी देती है, जिसके अंतर्गत औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, वस्तुओं के निर्माण, विक्रय, वितरण आदि का अधिनियम भी बनाए
गए हैं। फिर पोषाहार, बच्चों और गर्भवती स्त्रियों स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें पोषाहार की कमी को दूर करने का भी किया जाता है, जिसमें कि लोगों को पोषाहार मिल सके और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। फिर है परिवार कल्याण, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में ही, पहली जो पंचवर्षीय योजना उसमें ही परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बंध्याकरण, रूप निरोध, गर्भ निरोध, गोलियों, गर्भ समा आदि के नए जन्म लेने वाले बच्चों पर रोक लगाया जाता है, जिससे कि आठवीं योजना में 60,853 उपकेंद्रों द्वारा यह कार्य जो है संपन्न कराया गया है। फिर भारत में स्वास्थ्य स्तर के सुधार के लिए सुझाव, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिससे कि भारत में जो स्वास्थ्य स्तर को हम अच्छा कर सकते हैं, जिसमें कि सेवाओं और सुविधाओं का विकास करना चाहिए। फिर चिकित्सा विज्ञान की उन्नति के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं में भी तीव्र गति से विस्तार करना चाहिए। फिर निर्धनता उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी आय तथा जीवन स्तर में सुधार तीव्र हो सके। यदि निर्धनता उन्मूलन होगा तो स्वाभाविक उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर पौष्टिक खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करके उनका वितरण ठीक ढंग से करना चाहिए। मादक और हानिकारक वस्तु के उत्पादन में दोनों पर, उपभोग पर भी और उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फिर स्वास्थ्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करके हमें अनिवार्य विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर भी, मतलब प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमें भी मालूम होनी चाहिए, ये नहीं कि हम डॉक्टर के पास जाएं तभी हमें मालूम होगा। फिर महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, प्रसूति व आहार संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए। इन विषयों के प्रति भी उनमें जागरूकता भी उत्पन्न करनी चाहिए और पेयजल की उचित व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्र में भी करनी चाहिए और सामाजिक तथा धार्मिक कुरूपताओं का उन्मूलन करके भी सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर विश्व बैंक का सुझाव, विश्व बैंक जो है वह किस तरह से हमें सुझाव देती है। प्राथमिक चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि करके बड़े अस्पतालों को बनाया जाना चाहिए। फिर महिलाओं की शिक्षा या विनियोग बढ़ाया जाना चाहिए और आर्थिक सामाजिक दशा में भी सुधार किया जाना चाहिए और रोगों तथा महामारियों का उन्मूलन करके भी आधारित कार्यक्रम विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्मूलन अभियान में तेजी लाना चाहिए और निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब इन सब कार्यों को करके, जैसे कि अस्पताल, आर्थिक सामाजिक सहायता प्रदान करके, महामारी का उन्मूलन करके, चिकित्सा क्षेत्र में करके, निर्धनता का उन्मूलन करके, हम इस तरह से हम अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी ढेर सारी सुविधाएँ देने से भी हम पा सकते हैं।